लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा था कुछ टर्म्स जो सॉलिड या क्रिस्टलाइन स्टेट में काम आती हैं उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट आर द सॉलिड एंगल एजेस फेसेस लाइक एंड अनलाइक फेसेस इंटरफेशियल एंगल एट्सेट्रा एट्सेट्रा आज हम देखेंगे कुछ और टर्म्स जैसे एक टर्म है सिमेट्री सिमेट्री का अर्थ होता है कि चूंकि हम जानते हैं किसी भी क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आए से वो बिल्कुल रेगुलर होता है रेगुलर होने से उस क्रिस्टल के अंदर कुछ सिमेट्रिया सममितताएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति तल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है ये एक ऐसी काल्पनिक प्लेन है जो कि किसी भी क्रिस्टल में यदि उपस्थित है या क्रिस्टल को ऐसे दो भागों में विभाजित करती हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इन इंग्लिश वी कैन से दैट ए क्रिस्टल इज सेड टू हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इफ इट कैन बी डिवाइडेड बाय एन इमेजनरी प्लेन इनटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट वन इज़ द मिरर इमेज ऑफ अदर फॉर एग्जाम्पल एक क्यूबिक क्रिस्टल की हम बात करें तो उसमें देर आर टोटल नाइन प्लेन्स ऑफ सिमेट्री थ्री प्लस टू प्लस टू प्लस टू देर आर नाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री और इन प्लेन ऑफ सीमेट्रीज को हम जैसा कि फिगर 5.4 में दिखाया हुआ है उससे शो कर सकते हैं जैसे फिगर 5.4 के पहले फिगर में थ्री प्लेन्स ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही हैं दूसरे में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही हैं तीसरे में अगेन देयर आर टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एंड अगेन देयर आर टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इट मीन्स हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर थ्री प्लस टू प्लस टू प्लस टू दैट इज टोटल देयर आर नाइन प्लेन ऑफ सिमेट्रीज नेक्स्ट इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री या सम्मिति अक्ष किसी भी क्रिस्टल में सम्मिति अक्ष या एक्सेस ऑफ सिमेट्री वह काल्पनिक अक्ष है यदि उस पर किसी क्रिस्टल को घुमाया जाए तो क्रिस्टल अपनी सेम शेप को दो या दो से अधिक बार रिपीट करता है मीन्स इट इज़ ए इमेजनरी एक्सिस अराउंड विच इफ ए प्लेन इज रोटेटेड थ्रू 360 हंड्रेड सिक्सटी डिग्री एंगल देन इट रिपीट्स इट सेल्फ मोर देन टू टाइम्स देन इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझें यदि एक वर्गाकार आकृति है उसको आप थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री एंगल पर घुमाओगे तो ये कितनी बार अपने आप को रिपीट करेगी चार बार सिक्सटी डिग्री एंगल सॉरी 90 डिग्री एंगल फिर 90 डिग्री एंगल फिर 90 डिग्री एंगल फिर 90 डिग्री एंगल मीन्स 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री एंगल्स इट मीन्स इस uh, वर्गाकार आकृति में इट इज़ फोर फोल्ड ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्योंकि चार बार रिपीट करता है ऐसे देखो क्रिस्टल दो बार रिपीट करता है तो टू फोल्ड ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री तीन बार करता है तो थ्री फोल्ड ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री किसी भी क्यूबिकल शेप के अंदर देयर आर टोटल थर्टीन एक्सेस ऑफ सिमेट्री सिक्स प्लस फोर प्लस थ्री टू थर्टीन जो कि फिगर में दिखाया हुआ है एंड लास्ट वन इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है यह किसी भी क्रिस्टल के केंद्र पर वह काल्पनिक बिंदु है जहाँ से उस क्रिस्टल के आमने सामने वाले फलकों की दूरी समान हो और वी कैन से दैट इज इट इज ए पॉइंट इन द सेंटर ऑफ ए क्रिस्टल विच हैज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू अपोजिट फेसेस जैसे किसी अपन क्यूबिकल की बात करें और उसके सेंटर पर हम एक पॉइंट लगा दें तो उस सेंटर का आमने सामने की दीवारों से दूरी समान होगी इट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी क्रिस्टल के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्यूबिकल सेंटर की बात करें तो इसके अंदर देयर आर टोटल वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। केवल एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है तो हम कह सकते हैं नाउ देयर आर नाइन प्लेन ऑफ सिमेट्रीज इन ए क्यूब थर्टीन एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूब एंड वन सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूब तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सीमेट्री कितने हो गए नाइन प्लस थर्टीन प्लस वन दैट इज ट्वेंटी थ्री सो वी कैन से दैट देयर आर टोटल ट्वेंटी थ्री एलिमेंट्स ऑफ सीमेट्री इन ए क्यूब सो दिस कंप्लीट्स योर डिफरेंट टर्म्स इन द क्रिस्टलोग्राफी नेक्स्ट वन पर हम देखेंगे सर्टेन लॉज ऑफ द